बता रही है? मैं क्या बोलूँ आपके सामने, तो बोलती बंद हो जाती है आपके प्यार के सामने। अरे मैं और दया तो क्या बोलते हैं, वो हमारी जैसे हीर रांझा वैसी क्या श्री फराद और लैला मजनू ऐसी कोई कहानी नहीं, उन लोगों की तो कहानी फ्लॉप मतलब शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारी तो शादी हो गई, शादी हो गई। तो शायद अगर हम लोग की कहानी अगर हो जाती तो अमर हो जाते, हम अमर हो जाते ऐसा, लेकिन हम एक नया चीला चालू करते हम ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं सफल हमारा प्रेम कहानी है तो भी हम एकदम क्या बोलते हैं कि प्रसिद्ध है। और होली के बारे में क्या कहेंगे? होली एक रोमांटिक त्यौहार है और उसमें सब रोमांचित हो जाते हैं, और इसलिए टपके पापा को भी मैं टीका करूं। तो ये क्या नजर का टीका है? ये शुभ शुरुआत है, फिर धीरे धीरे एक एक टपका में से पूरा सब ये मेरा तो फेवरेट ये अभी जो हमने जिसपे हमने डांस किया वो भी बहुत बढ़िया गाना है, बाकी शोले का गाना तो है ही, और मेरा सॉन्ग ये मंगल पांडे फिल्म का ही था आई होली रंगली आई होली, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर जाकर बात की जाए तो आई होली रंगली आई होली उड़े रे गुलाल देख के घटा मन झूम उठा रंग बिखरे है नीले हरे लाल। चली पिचकारी भरी किसने बोला आज बरसों के बाद नहीं, हम लोग रोज दया को बहुत पसंद है तो मैं तो रोज इधर लेके आता हूँ इसको। आप आ जाए, आपको कैसा लगा ऐसा करके? वो कहाँ बैठे हैं अभी, आप बैठो एक बार तो मजा आएगा, उनको चक्कर आता है भाई सब जरा शायद तबियत जरा नाजुक के, पर आप थोड़ा एकदम मन कठिन करके बैठेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, और ऊपर से सब इतना सब अच्छे अच्छे दिखता है ना मजा आ जाता है। दिशा लड़कियां बहुत डरती है होली खेलने से, स्किन खराब होती है बाल खराब होते हैं, ऐसे में कोई स्टाइलिंग टिप्स देना चाहोगे? केसुड़ा का पानी मैंने तो टप्पू के पापा के लिए मैंने पहले से ही बना के रखा है। नहीं वही आजकल क्या है सब वो केमिकल कलर आ गए हैं ना, इसके लिए तपलीक हो गई, पहले के जमाने में कहा है सब था, इसलिए सब अलग अलग ये भी प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हमेशा जो दया ने बोला केसुड़ा जो फूल आते हैं केसुड़ा के फूल तो उसी का पानी में वो होली खेलनी चाहिए, और उससे हमारी त्वचा एकदम सुंदर रहती है। हमारे तो हर त्योहार इधर ही शूटिंग में ही मन जाते हैं, तो फिर रियल में मनाने का कोई बाकी कुछ रहता नहीं है, तो बस इच्छा यही करते हैं कि फैमिली के साथ कहीं शांत जगह पे जाए जहाँ पे हम लोग जो छुट्टी मिलती है उसको अच्छे से मना सके, बहुत भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आजकल तो अभी होली के बहाने बहुत ही मटर गश्ती भी बहुत होती है, लोग भी पाके बहुत धमाल मस्ती भी करते हैं, तो त्यौहार का भी मतलब बदल गया है, पहले जो एक स्वच्छ मतलब था स्वच्छ मतलब निर्मल आनंद लेते थे वैसा अभी रहा नहीं। बहुत ही पानी भी आ गया था, यानी पूरा सोसाइटी में कीचड़ कीचड़ भी हो गया था, तो भी सब लोग होली खेल रहे थे, जो भी कलर आए थे तो कागज से भी सब लोग खेलने लगे थे, बचपन में वो बहुत याद रह गया मुझे। और मेरी तो एक यादगार होली बच्चन साहब के बंगले पे मुझे मौका मिला था, हम लोग एक सीरियल कर रहे थे दाल में काला, जिनकी प्रोड्यूसर आशा परेख जी और शमी आंटी जी थी, तो उनके फ्रेंड जया जी बहुत करीबी फ्रेंड है, तो उन्होंने
हमारी पूरी टीम को इनवाइट किया था, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मैं प्रतीक्षा में अंदर एंटर हुआ तो बच्चन साहब वहाँ थे और मैंने गुलाल लेके ऐसे बच्चन साहब के गाल पे गुलाल लगाया तो ऐसे लग रहा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वहाँ जाके होली खेली है, तो मेरी लाइफ टाइम मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होली वही है, वही रहेगी। वैसे कहा जाता है कि भांग के बिना होली अधूरी है, तो आप लोगों ने कभी भांग ट्राई किया है? आप भी मत पीना बहुत खराब नशा है, पता है आपको? एक बार एपिसोड में मुझे हुआ था ऐसा, पता ही नहीं चला क्या कहाँ पूरा दिन बीत गया, खतरनाक। ऐसा कोई पीना ही नहीं चाहिए भांग भांग, ये कोई नशा नशा कोई नशा करना ही नहीं चाहिए। अरे आनंद मस्ती का नशा लो, ऐसे कृत्रिम नशा लेने की क्या जरूरत है? क्यों दया तो? के पापा हमेशा से Boom.
आउटफिट हैज बीन स्पेशली मेड एंड डिजाइन फॉर दिस सबका रंगोत्सव। खास हमारी तारक मेहता की ओर से हमने जितना हो सके ऑडियंस को अच्छे से प्रेजेंटेशन की कोशिश की है। सो दैट्स व्हाट आई एम एंड आपकी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। वी ऑल आर परफॉर्मिंग, सम ऑफ द अदर पर्सन इज डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग टू एंटरटेन आवर एंटायर ऑडियंस। सो लेट्स नॉट गो इनटू आईयू कुकिंग एंड कुकिंग, एवरीबॉडी इज डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग एंड प्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल इवेंट टू एंटायर द ईयर। सो व्हाट आई प्लान टू डू, वी कैन सेलिब्रेट एंड माय प्लान फॉर होली, आई विल डेफिनेटली because it's a very important and auspicious festival in our back there in Gujarat. So yes, I will be doing puja, I'll doing holi fast, and when we do that holi puja, then we start eating, and then next day I'll see people how they play colors, because I'm a little scared of colors. I think the holi is incomplete if you don't have bhang. So you've tried it before, bhang? Well, honestly, we are Nagars and we are Shiv Bhakta. So, Prashad, yes, we do take, but Prashad we take, okay? Any message to your fans? All my fans, please be happy. And very important message which my parents have taught me for Holi is why it is important. Holi mein apni sari greed, apne sare dukh, और अपनी सारी, अपने और से भी किसी के लिए दुश्मनी हो, वो सारी होली में झोंक दीजिए, मन हल्का हो जाएगा, नया जिंदगी का नया सवेरा होगा। सो डू दैट, थैंक यू, थैंक यू। के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ यारो, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आपका भी मैं बड़ा प्यारा 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 हूँ। और अपना ध्यान रखो, होली अच्छे अच्छे साफ सुथरे रंगों से खेलो, जिसमें बिल्कुल भी ऑर्गेनिक वगैरह वो जो चीज़ें होती है ना, फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टोटल एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, है कि नहीं? यार आप सब लोग तो मान गए यार, तुम ग्रेटेस्ट ग्रेट हो, आई लव इंडिया। होली के प्लान्स बता दूँ, थोड़ी पार्टी शार्टी के हैं जो हम लोग सारे जेंट्स मिलकर करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे लेडीज़ को नहीं पता चले, पर ये कॉन्फिडेंशियल आप बताना मत। पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि असली ज़िंदगी में जो मैं गुरुचरण सिंह हूँ, वो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता है, बियर को भी हाथ नहीं लगाता है। मैंने कभी भांग वांग नहीं पिया, क्योंकि मुझे ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, क्योंकि मज़ा आ जाता है मेरे को, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब भी वो जाते हैं ना तो मुझे साथ में लेके जाते हैं। मैं वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हल्का फुल्का ले लेता हूँ, लेमन वाटर ले लिया उस टाइप की चीज़, ताकि पेट वेट बढ़े नहीं, तो अपने सेहत का बड़ा ध्यान रखता हूँ। और वो लोग जब पीते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है जब मैं मस्ती करता हूँ उनके साथ, ये तूने जरूर पी है, ये तूने जरूर पी है, मैं बोलता हूँ भाई ये मैंने नहीं पी है, तो वो मज़ा ही कुछ और होता है, कि बिन पिए चढ़ जाए उसका मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ फाइनल रिहर्सल के लिए, तो आप जरूर देखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। Ba 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 ba
बनाना पड़ता है।